दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू सीएससी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, वो पूरा चेंज कर दिया गया। एक नया पोर्टल बनाया गया है, नई वेब, तो वो देखते हैं क्या है सब कुछ। मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, register.cse.gov.in, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है सब कुछ। इंस्ट्रक्शंस आपको साइड में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। देन नीचे जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो कैप्चा आपको भर देना है और सबमिट पे बटन पे जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटर मोबाइल ओटीपी, इंटर ईमेल। अब जो आपको ओटीपी मिला है आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। ओके, मैंने ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया है। देन आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे मेल आईडी पूछी जा रही है, तो जो भी आपका मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी जो है वो मेंशन कर देता हूँ। कोई भी मेल आईडी हो सकता है जो कि आप चला रहे हैं, एक्टिव होनी चाहिए। देन नीचे आपको कैप्चा का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कैप्चा फिलअप कर देना है। देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक ओटीपी जो है वो आपकी मेल आईडी पर भी गया है, जो कि आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और फिर से एक बार कैप्चा भरना होगा। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे मेल को अपनी ओपन कर लेता हूँ और देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको मेल आता है। तो मेन्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ मेल को और लॉगिन करके देखते हैं किस तरीके से मेल आता है। सो दोस्तों, आगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेल आया हुआ है। ईमेल वेरिफिकेशन एट सीएससी रजिस्ट्रेशन 769984। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 769984, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। इसी तरीके से मेरा ओटीपी आया हुआ है और फिर से एक बार जो कैप्चा आपसे पूछा जा रहा है वो आपको यहीं पे एंटर कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि वी आई डी और नेम जेंडर बताइए। अगर आपके पास वी आई डी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपको जो है वी आई डी अपना पता करना है। उसके लिए ई आधार डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको वी आई डी मिल जाता है। वी आई डी यहाँ पे डालेंगे, नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे जेंडर जो है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर यहाँ पे स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, लोकेशन टाइप रूरल है या अर्बन है वो डालना है, ऑथेंटिकेशन टाइप किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है ओ टी पी, यानी कि आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओ टी पी जाएगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट से या फिर आयरिस से, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फिर से कैप्चा भर के आगे सबमिट कर देना होता है। फिर आपके सामने जो फॉर्म खुलता है वो किस तरीके से खुलता है, आइए इसको भर के हम आगे बताते हैं आपको। सो दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आगे फॉर्म भर के फिलअप किया और यहाँ पे देख सकते हैं आपको आई हेयर बाई पे क्लिक कर देना है और आपको ईमेल एसएमएस दोनों के माध्यम से जनरेट ओटीपी यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा जो कि यहाँ पे आपको एंटर करना है आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी में। तो आइए यहाँ पे हम जो ओटीपी है उसको एंटर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन हो गया और यहाँ पे एप्लीकेंट इमेज आपसे ब्राउज की जा रही है, फिर क्योस्क डिटेल्स डालनी है आपको, फिर यहाँ पे सब कुछ नीचे भरते जाना है और यहाँ पे पैन नंबर भी वेरीफाई करना है, बैंकिंग डिटेल और बस सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कायोस्क नेम आपको डालना है, यानी कि आप अपने सेंटर का नाम क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कीजिए। फिर यहाँ पे स्ट्रीट क्या है, अपना मोहल्ला वगैरह डालिए, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, विलेज, फिर यहाँ पे पिन कोड, फिर पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन नियरेस्ट क्या है वो डालिए, फिर पैन क्या है टाइप वो डालिए, आपका इंडिविजुअल है या कंपनी का है वो यहाँ पे डाल के वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में देख सकते हैं अकाउंट टाइप आपका सेविंग है, करेंट है, ओके, फिर यहाँ पे आईएफएससी अकाउंट नंबर, फिर कैंसिल चेक का जो फोटो है अपलोड है, स्कैन यहाँ से अपलोड करेंगे, देन वो 40 KB का होना चाहिए, आप 100 DPI में स्कैन कीजिए, सॉरी 80 KB का होना चाहिए और 200 DPI पे स्कैन कीजिएगा, आसानी से इतने में आ जाएगा, उसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से फोटो जो है 20 KB का रहेगा, उसको भी 200 DPI पे स्कैन करके क्रॉप कर लीजिएगा, फिर आप टिक करके सबमिट कर दीजिए और बस आपका काम यहीं पर ख़त्म होता है। सो दोस्तों, अगर आपको उसका चेक करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगआउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है, देन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप फिर से आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस चेक का ऑप्शन मिल जाता है। सो दोस्तों, कुछ दिन के बाद में, जैसे कि एक हफ्ते के बाद में, यहाँ पे जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा वो यहाँ पे एंटर करने के बाद में, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। सीएससी आईडी मिलने के बाद में आपको अथॉरिटी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनलाइन शॉप चलाने की और वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेस आपको लगभग 300 सर्विसेस जो है सरकारी या गैर सरकारी सर्विसेस मिल जाती हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नई नई आने वाली गवर्नमेंट स्कीम जो है सबसे पहले सीएससी में आती है, उनका भी लाभ आप उठा सकते हैं, आप सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और अच्छी कमाई जो है वहां से कर सकते हैं। सीएससी सेंटर ओपन करने का ये 2019 का नया तरीका था, अभी तक सीएससी आईडी जनरेट नहीं हो रही थी,
फाइनली अभी जो है नया पोर्टल तैयार हो गया और स्टार्ट हो गई है। तो जिन लोगों को लेना है, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि CSEID कैसे अप्लाई करें, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जाके अप्लाई कर दीजिए फटाफट से और अपना CSEID जनरेट करवा लीजिए। सबसे पहले DigiMail मिलेगा, उसके बाद में आपको CSEID मिलेगा। जितना भी है वो आपको मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। जैसे आगे होता है कुछ मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। सो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नए आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलता है। सो दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपको किस सर्विस पे वीडियो चाहिए फटाफट से जाके कमेंट कर दीजिए। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, बीच में किसी का कमेंट नहीं पढ़ता था, लेकिन फाइनली अभी सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। जिन लोगों ने रिसेंटली कमेंट किया होगा उनको पता होगा मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो जाके कमेंट कीजिए, जो भी पूछना है फटाफट से पूछ लीजिए, सबका आंसर टाइमली मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।